नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को रांची बनाम दुमका टीम के बीच मैच खेला गया। दुमका की टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 65 रन पर सिमट गई। अंकित राज 22 रन, जीत शर्मा 11 व हर्षित सेन को छोड़ कोई भी खिलाड़ी दहाई अंक तक नहीं पहुंच सका। रांची की ओर से बेहतर गेंदबाजी करते हुए ईशान ओम 8 ओवर में 2 रन देकर 4 विकेट झटके, जिसमें उन्होंने 7 मेडन ओवर डाला। जवाबी पारी खेलने उतरी रांची टीम की ओर से चंदन कुमार ने 21 रन बनाए, हर्ष ने 15 रन बनाए। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच एम्पायर की भूमिका मनोहर सिंह व अमित हाजरा ने निभाई। मैन ऑफ द मैच को जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय सिंह, सचिव मनोज कुमार, सह सचिव आशुतोष भारती, कोषाध्यक्ष सरोज सिन्हा, नौशाद आलम, चतरा टीम मैनेजर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से ईशान ओम को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया। शनिवार को कोडरमा बनाम रांची के बीच मैच खेला जाएगा। रविवार को चतरा बनाम दुमका टीम के बीच मैच खेला जाएगा। मेरा नाम ईशान ओम है और मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा हूँ। मेरी आयु अभी 13 वर्ष है और आज के मैच में मैंने 8 ओवर देके 2 रन और 4 विकेट। 8 ओवर 2 रन और 4 विकेट। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।